अज आपां बहुत ही अजीब चमत्कार बारे विचार करांगे किवें अपने जीवन विच कई बार अनोखियां ते बड़ियां अजब घटनावां वापर जांदियां। अज दी जिहड़ी घटना बारे आपां विचार करनी है, दरअसल ये घटना है श्री फतेहगढ़ साहिब गुरुद्वारा साहिब की। इस पवित्र अस्थान ते एक गुरमुख परिवार सी जिहड़ा उत्थे आउंदा सी, सेवा करदा सी, बड़ी तन मन धन दे नाल सेवा निभाउंदा सी। दोने मियाँ बीबी बड़ी सेवा निभा रहे सी। साध संगत जी, शुरू करन तो पहला बेनती है, धन गुरु रामदास चैनल नू सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन नू दब लो ताकि साड़ी हर नवी वीडियो सब तो पहला तुहाडे तक पहुँच सके। लाइक कमेंट करके अपना प्यार ते आशीर्वाद जरूर दिओ। जदों उन्हां दे घर पहले बच्चे ने जन्म लिया ते वो बच्चा एक लड़की सी, उन्हां दे घर एक बेटी पैदा हुई। जदों उन्हां दे घर पहली बच्ची हुई ते उन्होंने बड़ी खुशी मनाई, बहुत खुश होए, पर होया कि उन्हां दे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, उन्हां दे लगातार छे बच्चियां पैदा हुईयां। जदों उन्हां दे घर लगातार छे बच्चियां पैदा हुईयां ते वो दोनों मियाँ बीवी बड़े उदास हो गए, बड़े उदास हो गए, उन्हां दा मन बड़ा उदास हो गया। जदों भी उन्हां दे घर एक बच्ची ने पैदा होना, उन्होंने अरदास करनी, वे हे वाहेगुरु सानू हुण लड़के की दात बख्श दे, पुत्र की दात बख्श दे, फिर साडा सारा परिवार पूरा हो जाएगा। पर हर वार उन्होंने घर बेटी ही, लड़की ही पैदा होंदी रही। मुंडे की प्राप्ति वास्ते उन्होंने अरदास करद्या करद्या छे बच्चियां नू पैदा कर लिया, पर मुंडा फिर भी पैदा नहीं होया। हुण सत्तवीं वार उहदी घरवाली प्रैगनेंट हुई, गर्भवती हुई, हुण भी वह बच्चा पैदा करन वाली सी। जदों उन्हें सत्तवीं बार बच्चा पैदा किया तो वह भी लड़की ही पैदा हुई। वो घरवाली ने तो जमा ही बिल्कुल ही आस छड़ती सी, हुण तां भी हुण साढ़े घर पुत्र की दात, मुंडे की दात कदे भी नहीं आवेगी, मेरे हुण कदे भी मुंडा पैदा नहीं होवेगा, क्योंकि हुण तक सत्त कुड़ियां पैदा हो चुकियां सी। उहदे घरवाली ने तो इत्थों तक भी कहता कि हुण वह कदे भी गुरद्वारा साहिब नहीं जाएगी, क्योंकि उहदा विश्वास बिल्कुल टुट चुका सी, उहदा दिल बिल्कुल चकना चूर हो चुका सी। पर जिहड़ा उहदे घर वाला सी वह गुरसिख सी, उहनूं हजे भी बड़ी आस सी कि वाहिगुरू परमात्मा उहनूं एक पुत्र की दात जरूर देवेगा। तो वह अपनी बच्ची नूं नाल लै के फतेहगढ़ साहिब मत्था टकाउण चलिया गया। वो अपनी सातवीं बच्ची नूं इकला ही नाल लेके गुरु घर के दर्शन कराउण चलिया गया। उहदी पत्नी उहदे नाल गुरुद्वारा साहिब नहीं गई। उस गुरसिख दे चेहरे तो बिल्कुल पता लग रहा सी कि वह बहुत उदास है। उन्हें अंदर जाके मत्था टेकिया, जदों मत्था टेक के वह बाहर आया तो उन्हें एक गुरु का प्यारा सिंह मिलिया। उस सिंह ने चिट्टा बाणा पाया होया सी, उहदे चेहरे ते एक अलग ही बड़ा तेज ते सोहना नूर आ रहा सी, चमक पै रही सी चेहरे तो। उस सिंह ने अपनी गोद दे विच एक लड़के नू चक्किया होया सी ते वह देखण च ही लग रहा सी वी ये भी अपने लड़के नू मत्था टकाउण लई आया होया है। पर उसने जिस दे कोल लड़की सी, गुरमुख प्यारे ने पुछया, हे अल्लाह दे बंदे, तू इन्ना उदास क्यों लग रहा है? तां उहने गुरसिख ने आपदी पूरी समस्या नू दस्या भी ये मेरी सातवीं बच्ची है। वह कह रहा, बच्ची तेरी बड़ी सोहनी है, बड़ी सोहनी लग रही है मैनू, बड़ी प्यारी बच्ची है, पर फिर भी तू उदास है। पर जदों उहने सारी कहानी दसी, उहनू सारी कहानी समझ आ गई। उहने सारी स्टोरी सुन के कहा कि तेरे वांगू मेरी भी स्टोरी है, अपनी स्टोरी इको ही है,
मेरे नाल भी इदां वापरिया है। मेरे कोल पहला भी चार मुंडे हन, पर हुण वाहिगुरु ने मैनू पंजवें मुंडे की दात बख्श दित्ती है। पर कहिंदा मैं चाहुंदा सी, मेरी पत्नी भी चाहुंदी सी कि साडे घर हुण एक लड़की पैदा होवे, बच्ची पैदा होवे, पर इस बार भी वाहिगुरु ने मैनू मुंडा ही दिता। साढ़े घर लड़की पैदा नहीं हुई, सानू वाहिगुरु ने लड़की नहीं दिती। वह कहिंदा तू ऐ कर, मैनू अपनी बेटी दे दे ते मेरा लड़का ले जा। ये गल सुनदिया गुरसिख बहुत खुश होया, उन्हें अपनी बेटी उसनू दे दिती, उसने अपना लड़का उस गुरसिख नू सौंप दिता। वह लड़के नू बच्चे नू लैके जदों वापस मुड़िया, थोड़ी दूर जाके उन्हू एहसास होया भी मैं तो उस गुरसिख नू पुछया ही नहीं भी उहदा एड्रैस की है, उहदा थाऊं पता की है, कित्थे रहिंदा है। जदों वापस मुड़िया भी मैं उहदा नंबर जां एड्रैस तो लै लवां, वह गड्डियां दी पार्किंग वल ढूंढण गया, पर उत्थे उहनू गुरसिख वह नज़र नहीं आया। वह चिट्टे बाने वाला सिख पता नहीं उत्थे कित्थे अलोप हो गया, नज़र ही नहीं पिया। उहने सारा गुरद्वारा शान मारिया, सारा गुरद्वारा साहब देखिया, सारे किते लभ्या, पर वह चिट्टे बाणे वाला गुरसिख नहीं मिलिया। तो साध संगत जी उहदे फिर दिमाग विच आई भी हो सकता है वाहिगुरु परमात्मा वल्लों कोई चमत्कार होवे, बिल्कुल ये कोई ना कोई चमत्कार है, अनोखी घटना है। वह समझ गया तो घर नूं तुर गया। घर पहुँचया, खुशी खुशी घर विच पहुँचया। ये गल सारी उन्हें जाके पत्नी नूं दसी, अपनी घरवाली नूं दसी। जदों ये गल उहदी पत्नी ने सुनी तो बड़ी खुश हुई, तो उस बच्चे नूं चक के अपनी गोद विच लिया, तो उस बच्चे नूं बहुत बहुत लाड़ लड़ाया, बड़ा प्यार किया। उन्हां छे भैणां नूं एक भरा की दात परमात्मा ने बख्श दित्ती। धन गुरु रामदास चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन नूं दब लो ताकि साडी हर नवीं वीडियो सब तो पहलां तुहाडे तक पहुँच सके। लाइक कमेंट करके अपना प्यार ते आशीर्वाद जरूर दिओ। धन गुरु रामदास चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल ही बैल आइकन नूं दब लो ताकि साडी हर नवीं वीडियो सब तो पहलां तुहाडे तक पहुँच सके। लाइक कमेंट करके अपना प्यार ते आशीर्वाद जरूर दिओ। धन्यवाद। पूरी वीडियो देखने लिए आप जी का धन्यवाद। कमेंट विच जाके वाहिगुरु लिखना ना भुलना। साड़ी निमाणी जी कोशिश प्रवान करियो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।